अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नाजिया थॉट्स। आज का इफ्तार का स्पेशल चिकन और बगारा राइस। और वन थिंग, वो क्या है कि बताती हूँ, देखो मैं यहाँ पे 1/2 kg चिकन ले रही हूँ। उसमें 1 tablespoon हल्दी डाली है, बाद में से 3 tablespoon लाल मिर्ची डाली, 1 tablespoon नमक ऐड करी और 3 नींबू का रस निचड़ के डालिम, 1 cup दही डालिम और 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल के अच्छा पूरा पीसेस को पकड़े सर का मिक्स कर ले रही। ऐसा पूरा मिक्स कर लिए बाद में 1/2 hour फ्रिज में तो भी बाहर तो भी रख लेना। अब मैं प्याज तल लेती हूँ तेल में, अच्छा ब्राउन कलर आए तक। बिरयानी में कैसा तल लेते कि वैसे तल लेना सेम। मैं यहाँ पे 2 प्याज ली थी, अच्छे मोटे मोटे प्याज। देखो ब्राउन कलर आ गया, अब एक बाउल में निकाल लेंगे। प्याज पूरा निकाले बाद में वो इस कढ़ाई में 1 tablespoon ऑयल डाल लेना। डाल के 1 इलायची, 2 लौंग, 1 दालचीनी चकला डाल के फिर बुनली सब प्याज को ऐड कर लेना। ऐड कर लिए बाद में से अपन मैरिनेट कर ली सो चिकन पीसेस को इसमें ऐड कर लेना। प्याज में मिले तक स्पून से ऐसा मिला लेना। अच्छा मिलाने के बाद 3 कच्ची मिर्चियाँ ऐड करके थोड़ा पुदीना डाल के थोड़ा गरम मसाला डाल के स्पून से मिला लेना फिर एक बार। एक 10 मिनट्स अच्छा पका लेना कैप लगा लेके। फिर बाद ओपन करके थोड़ा कोरिएंडर्स कोथमीर ऐड कर लेना। कर लिए बाद फिर एक बार 10 मिनट्स अच्छा पका लेंगे। देखो ऑयल पूरा ऊपर आए तक पका लेना। देखो ऑयल पूरा ऊपर आ रहा, अच्छा पक रहा गोश्त। अब चिकन अचारी पक गया, लास्ट में एक बार फिर कोथमीर थोड़ा ऐड कर लेना। कोथमीर ऐड कर लिए बाद बंद कर दे तो हो गया अपना चिकन अचारी रेडी। अब बगारा राइस पका लेंगे। मैं 1 tablespoon घी डाल के 3 tablespoon ऑयल डालें, बाद में से 2 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी चकला, बगार पत्ता और 1 tablespoon साजिरा ऐड कर लेना। बाद में से आनियंस, 3 कच्ची मिर्चियाँ ऐड करके अच्छा स्पून से मिला लेना। आनियंस कच्ची मिर्चियाँ पक गए बाद में अब पुदीना करिया पत्ता ऐड कर लेना। बाद में चम्मच से मिला लेना। अब 1 tablespoon अदरक लहसुन ऐड कर लेंगे। अदरक थोड़ा ऑयल में अच्छा फ्राई होना, अदरक लहसुन का कच्चा भू गए तक ऑयल में फ्राई कर लेना। फ्राई कर लिए बाद वाटर ऐड कर लेना। 1 glass राइस को 2 glass वाटर ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे 1 glass ली, बाद में से 1 tablespoon रॉ सॉल्ट ली और 1 tablespoon धनिया पाउडर डाल ली। पानी अच्छा उबले बाद में राइस डाल ले रही, भिगा ली सर राइस 1 glass लेना। अब स्पून से अच्छा मिला लेना, ढक्कन डाल के 15 मिनट्स तक पका लेना। देखो ऑलमोस्ट पक गया, 1-2 मिनट्स हुए तो पूरा पक जाता। अब कोथमीर ऐड कर लेना, ऐड कर लेको ढक्कन डाल लेके 2 मिनट्स पका ले तक हो गया चिकन अचारी। देखो अब नेक्स्ट बगारा। अब नेक्स्ट क्या है,
मेरा फेवरेट लेमन का खट्टा, नींबू का खट्टा कैसा बनाने की बताती हूँ। चलो फिर, नींबू का खट्टा बनाने के लिए 3 नींबू ली मैं यहाँ पे। मैं रस ले रही हूँ 3 नींबू आके काट के। अच्छा, रस निकालने के बाद बींजान रही तो बींजान निकाल लेना, निकाल के वाटर ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास वाटर ऐड कर ले रही। खट्टापन देखने को वाटर ऐड कर ले सकते, बाद में से थोड़ा प्याज ऐड करती हूँ। 1 कच्ची मिर्ची डाली, थोड़ा धनिया पत्ता, बाद में 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मिर्ची। अब चमचा से पूरे मिला लेंगे। ऐड कर लिए बाद में बगा लेंगे। ऑयल 4 टेबल स्पून लेके 1 टेबल स्पून जीरा, थोड़ा करिया पत्ता, 3 सूखे मिर्चियाँ, थोड़ा हल्दी डाल के फ्राई कर लिए बाद में। बाद में से नींबू का खट्टा ऐड कर लेना। अब रेडी हो गया हमारा नींबू का खट्टा। नींबू का खट्टा टेस्ट में और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, एक बार ज़रूर ट्राई करो।